सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से दो शब्द कहना चाहती हूँ। जब तक सफल ना हो तुम नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर कभी भी मत भागो तुम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। थैंक यू। अभी जो तुमने जो लाइन कही है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि अपन लोग सब कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और मेरा ही कम से कम 3 या 4 बार सिलेक्शन होते होगा। तो यही लाइन मुझे प्रेरित करती है, व्यक्ति तैयार करने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। और यह लाइन मैं सुनाना चाहता हूँ, लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गणतंत्र दिवस को जिस रूप में मनाते हैं, ये हमें एक स्वाभाविक तौर पर मिला है। सन 1950 में जब देश आजाद नहीं हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत तपस्वी संग्राम करके हमारे देश को आज़ादी की लड़ाई से मुक्ति दिलाई और हमारे देश को सबसे पहले 1947 को ये झंडा बंधन उस टाइम नहीं था। जब तक 1947 को तो आजाद हुआ था, लेकिन 1950 को झंडा बंधन आरंभ हुआ था, जब नहीं था। तो ये हमको गणतंत्र दिवस का अवसर मिला है। इसके बाद कुछ लाइफ मैं आपको बताता हूँ। एक बार अंग्रेजी का मैं लेक्चर ले रहा था, ये जोक, इसको हम जोक ही समझेंगे। तो यहाँ अंग्रेजी भाषा का बहुत महत्व। अगर जैसे हम चीन में जाते हैं या उत्तरी अमेरिका में जाते हैं, पश्चिम बंगाल जहाँ भी हम जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें हेजिटेशन होता है। अगर हमारे पास इंग्लिश स्पीच नहीं है तो हमें हेजिटेशन होता है। तो एक इंग्लिश की जब मैंने क्लास ली तो एक बच्चा था, उसका नाम था राम। जैसे ही वो क्लास में एंटर हुआ तो मैंने उससे बोला, रामू आई एम सो लेट। उसने कहा, सर वो। मैंने कहा, स्पीक इन इंग्लिश सर वो। क्योंकि उसे इंग्लिश आती नहीं थी, तो मैंने बोला स्पीक इन इंग्लिश। तो जैसे ही वो इंटर क्लास में हुआ तो बोला, मैंने उससे क्वेश्चन किया, रामू आई एम लेट। तो उसने बोला, सर माय कार वाज फसिंग इन कीचड़, नो हीलिंग नो डोलिंग ओनली पोपो पापा।
बैठी हूँ, मेरी खुद टीचर है, मैं तो बनी गया, मुझे विश्वास है। सभी से कह रहा हूँ कि जो 5 सब्जेक्ट हैं सर हमारी क्लास में सब्जेक्ट में, तो उनमें जैसे इंग्लिश नहीं पढ़ रहा कुछ लोग, संस्कृत लेंगे, उसका कंफर्म कर लें कि संस्कृत आ रही है या नहीं आ रही है। सर जहाँ तक 100% है कि संस्कृत का ऑप्शन नहीं दे रहा है इस बार पेपरिया में, सर वो कोचिंग है सर, मान लीजिए उसका नाम नहीं आ रहा मुझे, नहीं नहीं फर्स्ट स्टेप सर, उसमें टीचरों ने बताया कि संस्कृत कहाँ से नहीं आ रहा, चेंज है भारत। देखो तो हम बैठे हुए हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हजारों शुभकामनाएं, हमारे सर के लोगों के लिए भी, और जहाँ पर ब्रेडलैंड में इतनी अच्छी पढ़ाई हम लोगों को मिल रही संविदा के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ बरेली शहर में कहीं दूर नहीं, अपन मतलब पास में ही है, बहुत अच्छा अपन संविदा के लिए तो तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं, तो अपन सर लोगों के लिए भी बिल्कुल हेल्प करेंगे, मतलब जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी, सर के लिए हिंदी के लिए भी, और अपन भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पर। और संविदा की वैकेंसी आपको पता है बिल्कुल आने ही वाली है, ये समझ लें आ ही गई है, ये ना समझे कि अभी टाइम है, कुछ भी टाइम नहीं है, बस ये है कि कब कहाँ आया, जब पटवारी की वैकेंसी आ गई ऐसी संविदा की आने वाली है, तो जल्द से जल्द अपन इसकी तैयारी पूर्ण तरीके से कर लें। और सभी लोग शायद यहाँ बैठे थे बी एड डी एड कम्प्लीट हुआ सबका, तो सभी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और शायद ऐसा भी हो सकता है इस बार की 12th रेस्ट से भी संविदा के मतलब फॉर्म ऑनलाइन हो सकते हैं, तो फिर तो ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, जैसे अपने पटवारी का हुआ ना उस तरीके से ही इसमें होगा, तो पता नहीं उसे मतलब कैसा तैयारी करना पड़ेगी। और ये तो पता होगा 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस अपन लोगों ने मनाया, सब स्कूल में स्कूल वाले स्टाफ भी होंगे यहाँ पे, तो 26 जनवरी अपन क्यों मनाते हैं और गणतंत्र दिवस क्या होता है, तो 26 जनवरी हम हमारा देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो लगभग 3 साल में 3 साल लग गए थे संविधान लागू करने के लिए, आज़ाद 3 साल पहले हुआ था लेकिन संविधान लागू करने के लिए 3 साल लग गए थे, जब जाके संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू में हुआ क्या था, पहले अपने यहाँ जब गुलाम था देश, यहाँ शिक्षा करने का अधिकार भी नहीं था, और था तो लेडीज नहीं कर सकती, लड़कियाँ नहीं कर सकती थी, तो 26 जनवरी 1950 देश आज़ाद हुआ तो उसमें संविधान अनुच्छेद रखे गए थे, तो उसमें मतलब सब लोगों को शिक्षा का अधिकार भी है और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ हमारे देश में सभी सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, सिर्फ भारत देश है यहाँ सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, पाकिस्तान यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे सभी धर्म मतलब बांट दिए गए, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं। और आपको पता है झंडे में 3 कलर होते हैं, तो इसलिए होते हैं, पहला जो केसरी होता है वो हिंदू धर्म का प्रतीक है, और सफेद जो होता है ईसाइयों का है, और हरा जो होता है मुसलमानों का है, ये सब 3 कलर मिलकर ही एक झंडा बनाया गया है, तो उसमें ही सभी धर्म के लोग निवास कर रहे हैं, और सारे सब लोगों को सभी धर्म मानने की अनुमति भी है, यहाँ कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं है कि आप संविधान नहीं मान सकते, आप कोई से धर्म अपना सकते हैं, यहाँ खुली आपको छूट दी गई है इस भारत देश में ही। थैंक यू, धन्यवाद।